हेलो। आप कौन जब हेलो हेलो हाँ हेलो। जी भैया, आप वजीर बोल रहे हैं? सुना था आप सरकारे आला हजरत अल्लाह तआला को काफी साबित करेंगे। वाजे करो। जी बिल्कुल। बिल्कुल साबित करेंगे आप। अच्छा चलिए, खैर तो आप कहाँ से हैं जरा ये बता दें, फिर बात शुरू करते हैं। मैं हैदराबाद से। तुम कौन बात कर रहे? अच्छा, मैं सुहेल इस्माइली हनफी बरेलवी मसौली शरीफ से बात कर रहा हूँ। कौन सी यूपी शरीफ? यूपी यूपी मसौली शरीफ यूपी। मसौली। जी मसौली यूपी। जी मसौली। हाँ। जी जी आ गया। खैर तो चलिए साबित कीजिए। इससे पहले सुनिए। आप सुनिए, तो आप आला हजरत को काफी साबित करने से पहले कुफ्र की इस्तलाही और लुगवी तारीफ कर दीजिए, परिभाषा या डिफिनेशन। ये सब बातें नहीं चलेगी। मैंने जो वाकया बताया है उस वाकये से मैं कुफर साबित करूंगा। जो मूसा सुहाग का वाकया देखो मौजूद भैया, मैं है आपको महफूजात बताऊं। में। देखिए भैया भैया एकदम सुनिए, तो जैसे कि हमने कहा कि ये आदमी, जैसे हमने किसी किसी शय के ताल्लुक से कहा कि ये जानवर है, तो हमें पता था कि जानवर है तो क्यों है, तभी तो हमने कहा ये बिस्कुट है, तो हमने क्यों कहा, इसकी नॉलेज हमें होगी। तो आपने आला हजरत को काफिर कहा, तो कम से कम आपको इसकी नॉलेज तो होनी चाहिए कि कुफिर किसे कहते हैं। आप तो ऐसे सुने, किसी को काफिर कह देंगे भाई? बात तो आपको सुने। ये नहीं पता होगा कि कुफिर मैं किसे कहते हैं। हो गया आपकी बात जी हो गए, बिल्कुल बताइए सुने। मैंने क्या कहा कि इसने बताइए। जो है मलफूजात आला हजरत में वाकया लिखा हुआ है जी पहली मस्जिद बात के तो मैं आपको ताल्लुक बता दूं भाई, आप कह रहे हैं कुफर, कुफर नहीं होता है, कुफर होता है, तो से। ये हिंदी में जो ताकीद बोल, हाँ होगा मेरे आपसे। यहाँ, चलो मेरी ठीक है, वो अल्फाज पकड़ सकते हो। नहीं इसमें तो आप मस्जिद कुफर का बोलिएगा, वाकया ठीक है? मौजूद है। ठीक है, मस्जिद का हाँ वाकया मौजूद है मलफूजात आला हजरत में। मस्जिद का हाँ वाकया मौजूद है इसमें। इसको सुने, मस्जिद के ताल्लुक से हाँ इसको कहते हैं हाँ सुनाइए। हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह। क्या कहा? हजरत भी क्या? कहा हजरत हाँ सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह। क्या कहा? हाँ हजरत बिल्कुल भी कहा, हाँ हजरत सैयदी भी हाँ कहा, मूसा सुहाग हाँ रहमतुल्लाह अलैह भी कहा। तीन चीजें, हाँ हजरत कहा, सैयद कहा, मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह कहा। कहते हैं मशहूर मजाजीब में से थे। ठीक है, अहमदाबाद में मजार शरीफ है, मैं जियारत से मुशर्रफ हुआ हूँ। अहमद रजा खान साहब कहते हैं कि ये जियारत से मुशर्रफ हुए हैं। कहाँ औरतों का कहिए होता है, लिबास साहिब होता है भैया, साहिब होता है, साहिब साहिब कहिए, साहिब वो छोड़ ये दीजिए, ऊपर मेरी होता है, मेरी जेल होता है। अल्फाज। चलिए, वो आप नहीं तो पकड़ सकते अल्फाज हैं। अरे आपकी इतना कर वो रहे हैं, अल्फाज ठीक नहीं है आपकी ना इतना असल? कर रहे हैं, इतना नहीं, कर वो रहे हैं। ठीक है, वो असल जी जो बोलिए। बात कहना चाह रहा हूँ वो सुने। नहीं तो औरतों का आप ही कह रहे लिबास भाई। पहना करते थे। सुनो तो सही यार, हाँ सुनो, हाँ सुना सुना बताओ, औरतों का बढ़िया था, लिबास पहना, आएगा साहिब कहना साहिब। सुनो, जनाना जी वजा हाँ कजा कहिए। रखते थे। ठीक है, एक बात कहत शदीद पड़ा, बादशाह हाँ काजी व अकाबिर जमा होकर हजरत के पास हाँ दुआ हाँ के लिए गए। इनकार फरमाते रहे, मैं क्या दुआ के हाँ काबिल हूँ? जब लोगों की जब वो लोग ज्यादा बोलने लगे, गुजारिश करने लगे, तो इन्होंने क्या किया, एक पत्थर उठाया, पत्थर उठाकर और दूसरे हाथ की चूड़ियों की तरफ, क्योंकि औरतों का लिबास पहना करते थे, चूड़ियों की तरफ लाए हाथ, हाथ ठीक है, और आसमान की जानिब मुंह उठाकर कहा, मैं भेजे वरना ना सुहाग ले जाएगा अस्कतुल्ला। ये कहना था कि घटाए, अब पानिश पानी गिरा, समझो मैं क्या बोलू इस पर। तो बहुत ज्यादा बारिश हुई, तो जब दुआ करी तो दुआ कबूल हो गई है। एक दिन नमाज जुमा के वक्त बाजार में जा रहे थे, इधर से काजी शहर के जामा मस्जिद को जाते थे। इन्हें देखकर अमल बिल मारूफ किया कि ये जो अमर है, बिल मारू नहीं, अमर बिल मारू। हाँ चलो मुझे वो अल्फाज पकड़ सकते हो, कि ये जो औरतों का लिबास पहनो ये मर्दों को हराम है। ठीक है, मर्दाना लिबास पहनो और नमाज को चलो। इस पर इनकार ना किया, मुकाबला ना किया, चूड़िया जेवर जनाना लिबास जो भी पहना पहने थे वो सब उतार दिए और मस्जिद को साथ हो लिए। खुतबा सुना, जब जमात कायम हुई किसके साथ और हो लिए, किसके साथ हो लिए, किसके साथ हो लिए?
औरतों का लिबास उतारा, जनाना लिबास उतारा मस्जिद के साथ, बोलिए मस्जिद के साथ होली, मस्जिद के साथ, मस्जिद के साथ होली इसमें लिखा है ना, मस्जिद के साथ होली है मतलब। अब इसका मतलब क्या है कि उनके साथ मस्जिद को चले गए? किसके साथ? यही जो उनके पास जो आया था। तो बताइए किताब में क्या लिखा है? इसमें लिखा है सर एक मिनट, काजी, काजी शेख, काजी लिखा हुआ है। हाँ हाँ हाँ, उनके साथ हो लिया, ठीक है। और बस सुनो तो सही। हाँ सुनाइए तो भैया, खामोश रहने का। अरे तो मैं तो अभी सुना रहा हूँ, सुने। हाँ सुनाइए सुनाइए। जब इमाम ने तकबीर तहरीमा कही अल्लाहु अकबर, सुनते ही इनकी हालत बदली, फरमाया अल्लाह ओ अकबर, मेरा खाविंद जो कभी नहीं मरेगा ये मुझे बेवा किए देते हैं। इतना ही कहना था, सर से पांव तक ये जो मूसा सुहाग है उन्होंने कहा कि अल्लाह मेरा खाविंद है जो कभी नहीं मरेगा ये मुझे बेवा करते हैं, ठीक है। इतना कहना था, सर से पांव तक वही सुर्ख लिबास था और वही चूड़िया। अब सुने, अंधी तकलीफ के तौर पर इनके पास, इनके अंधी तकलीफ के तौर पर के मजार के बाद मुजावर, मजार के पास जो बाद मुजावर को देखा कि अब तक बालियां चूड़िया जोशन पहनते हैं, ये गुमराही है। सूफी साहब साहिब तहकीक है और इनके मुकल्लिद जिंदीक है। ये पूरा वाकया हो गया, ठीक है। हाँ, तो इसमें कुफर क्या है? इसमें कुफर ये है, इसने क्या कहा कि जो है अल्लाह मेरा खाविंद है, अल्लाह मेरा खाविंद है जो कभी नहीं मरेगा ये मुझे बेवा किए देते हैं। मूसा सुहाग ने अल्लाह को अपना खाविंद शोहर बताया, माशाल्लाह, कहता है कि ये मुझे बेवा किए देते हैं, यानी जो औरत का लिबास पहना था मैं तो अल्लाह की बीवी बना था, ये मुझे बेवा कर रहे, क्या मतलब जा रहे, अल्लाह तो कभी नहीं मरेगा ये मुझे बेवा करते और वाली बात बन रहा है। इतना कहना था वही। सुनिए तो यही कुफरी जुमला आपके नजदीक है ना? यही है। और सुने अल्लाह के नबी भैया, अब आप इसका फोटो भेजिए भैया, इसका फोटो भेजिए। ये तुम्हें नहीं पता? ये मैं कह रहा हूँ फोटो भेजिए भैया। अभी फोटो कैसे भेजो, बातचीत चल रही है ना? अभी मिनिमाइज कर दो, बीच वाले बटन को दबाओ और व्हाट्सएप पे जाओ और गैलरी में जाओ और फोटो पर क्लिक करके इनके लाते देखते वाटर गैस तो हम लोग ऑनलाइन में। हेलो, हेलो, सेंड कर दिया है, भेज दिया नासिर भाई जी। अगर देखिए फौरन हमें यहाँ पे भेजिए, एक मिनट। चेक कर लिए? अभी वो हम पे भेज रहे हैं, देख रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हम बोलो तब तक आप कुफर की तारीफ कर दीजिए। हाँ, आप कुफर की तारीफ कर दीजिए भैया। इधर उधर मत जाए ना, ये तारीफ कीजिए, वो तारीफ कीजिए। पहले तो कहते थे कि कबर किसे कहते हैं, उधर चले गए। अब ये सब छोड़ दीजिए, ये लोग नहीं आप सुने ना, तो कम से कम कुफर की तारीफ तो कर दीजिए। छोड़ दीजिए वो, जब वहाँ पर हम कबरों की बात कर रहे हो, छोड़ दो, वो लोगों को पता है तुम असल बात पर कुफर कर, असल बात पर कुफर करो। दो नासिर भाई, इस नंबर पे भेजा कह रहा हूँ, उसको इस्माइली में जो आपका व्हाट्सएप है ना, अगर जिससे ग्रुप में हूँ, नहीं ग्रुप में शायद जिससे फोटो लगी आपकी,
अच्छा 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 हाँ आ गया उससे देगा। हाँ ठीक है तो तब तक भैया कॉफी की तारीफ क्या करो। वो छोड़ दो ये सब, अब ये बातें पहले कर दो भैया। क्यों छोड़ दो, हमारी बात वाकयात पर है, आप ये छोड़ दीजिए बचपना बचकाना करना छोड़ भैया, वाकयात पर ऐसे ही है वाकयात। आप कॉफी की तारीफ तो करो तुमसे वो छोड़ दो, लोगों को पता है, तुम ये बचकाने हरकत करना छोड़ दो, जो असल बात है उस पे आओ। और इधर है भैया, ओ आपने ये सेन कैसा भेजा है भैया? क्या हुआ भैया, आपने सेन कैसा भेजा है? कैसा भेजा? उसमें मुकम्मल नहीं दिख रहा है, मुकम्मल दिखना चाहिए ना, ताकि मैं यूट्यूब पे ऑडियो अपलोड करूँ तो सब देखे तो कैसे कैसा आपने इमेज भेजा है। आपने जो इमेज भेजा है उसमें सिर्फ आपने जो पढ़ा है वो दिख रहा है, और जो बाकी चीजें वो नहीं दिख रही है। वो तुम सुनाना ना, बाकी चीजें जो वाकया है इस पर क्या किया गया है। सुनो तो सही, मैं तुम्हें बताता हूँ वहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या की गई है, तावील की गई है, हमने तावील को हटाया, तुम इसका दिफा करना चाहते हो, चलो दिफा करके बताओ किसने कुफर किया है, साबित करो करो करो, चलो बताओ। ये तो तुम्हारे मौलवी का जो असल वाकया जो मौजूद है वाकया मैंने सुना दिया है, ये तो इसकी जो लिखा हुआ है पूरा साफ भेजा है मैंने। हाँ क्या हुआ, गलती पड़ी गई? कौन सी गलती है? मैं जो लफ्ज पढ़ा हूँ अल्फाज गलत साबित कर दो तुम बता दो। पूरा स्कैन मैंने पूरा भेज दिया, मैंने जो वाकया मौजूद है वो पूरा सुना दिया है मैंने, पूरा भेज दिया मैंने सुना है। वो तो तुम्हारे मौलवियों की तावील है वहाँ पर मौजूद, तुम असल बात मुकम्मल दिखे जो तुमने कहा है वो मुकम्मल दिखे। वो तो बिल्कुल मुकम्मल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मुकम्मल भैया। तुम्हारे आगे कमजोर है क्या? तुम्हारे पूरा मुकम्मल भेजा है, वाके पर गुफ्तगू करो तुम, मैंने पूरा भेजा है करते हैं इमेज। मैं कहता हूँ इस वाके पर गुफ्तगू करो, भागने की कोशिश मत करो बरेलवी साहब, ओ बरेलवी साहब मैं ये कह रहा हूँ, तो बरेलवी साहब भागने की कोशिश मत करो, जो वाका मैंने कहा है बरेलवी साहब भागने की कोशिश मत कीजिए, भागने की कोशिश मत कीजिए, जो मैंने वाका सुना उस पर बात करें, मैंने पूरा स्कैन पेज भेज दिया, मैंने पूरा भेज दिया। अरे साफ साफ नहीं दिख रहा है, तुम अंधे हो शायद, मुझे क्या करना है, तुम अंधे हो, वहाँ पर पूरा साफ दिख रहा है, तुमने तुम अंधे हो, तुम्हारी आंखें होते थे तुम अंधे हो। अच्छा इधर सुनो कुरान में लिखा है और कुरान की तुम तशरी नहीं करते, कुरान नहीं समझ जाते हो बाबा। ये जो है ना, तारीफ नहीं पता है सरकार, काफिर है बिल्कुल काफिर है, कुरान अल्लाह के नबी मैंने पूरा भेज दिया, ये रजा खानी अब तक दिमाग नहीं कर सकता, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो दावा किया वो पूरा साबित कर चुका हूँ, इतने के जो रब की बीवी होने का दावा करा उसको हजरत सैयद कह रहा, मूसा स्वाद रहमतुल्लाह कह रहा, नबी बोली नबी बोली रहमतुल्लाह, नबी की बात मानी जाएगी, अहमद रजा की बात मानी जाएगी, नबी बोली रहमतुल्लाह जो मजबूर और टीम शुरू करे, पूरा भेज दिया है मैंने गुफ्तगू वाकई पर कर, वाकई पर कर, अरे नजदी वाकई पर बात कर, कूफी नजरी वाके पर बात कर, खामोश तो बैठ, तूने शुरू कर दिया, तू बदतमीजी शुरू कर दिया, दो कौड़ी का तू होगा, खामोश तो हमने तुझे थोड़ी ना कहा, ये रिकॉर्डिंग में सुनाऊंगा, जो खामोश तूने बदतमीजी तूने शुरू की है,
अबे खामोश रहे तू, जब मैं बोलूंगा तू खामोश होगा, चल बोल। खामोश चल बोल, मैं खामोश होता हूँ, खामोश नहीं हो रहा, मैं खामोश हो रहा हूँ, इसका तू भी खामोश होना जब मैं बोल, ठीक है, बोल। खामोश दे, खामोश हो रहा हूँ, मैं खामोश हो रहा हूँ, तू भी खामोश होना जब मैं बोलूंगा, बोल। देखो मैं तुमसे आपसे बात कर रहा हूँ, तुम तू और दो से बात कर रहे हो, डंडा डाल दूंगा, सीधे नहीं होता उसे, समझ में आ रहा है? तुम्हें कमर में डाल दे, कमर में डाल दिया, नजर में डाल दिया, अबे तेरी गाल में डाल दे डंडा, तो और जुबान खबीज करके सीधी बात कर, मैंने वो मौका दिया है तुझे, तू सीधी बात कर, साबित तो कर रहा हूँ, तू खामोश तो सुना ना, मैं खामोश करता हूँ, पढ़ने शुरू कर रहा है, अबे पागल तो तू, तेरा अमीन था अमर हुआ, इधर सुन तो, इधर सुन तो, मैं साबित कर रहा हूँ, साबित कर दे मुझे, कर साबित, तुझे कुफर की तारीफ नहीं पता, वो तो तू कुछ भी साबित कर, किसे मालूम के नहीं मालूम, कुफर की तारीफ रखा खानी, पहले मैं बोल रहा हूँ, किसे बोल, तीस रुपए तेरा जिन क्यों जाग गया, तेरा जिन जाग गया, मैं खामोश बैठ रहा हूँ, बोल बोल, अरे सुन तो इधर, मैं ये कह रहा हूँ, मज्जूब मज्जूब तुम्हें पता है किसे कहते हैं, हेलो, अरे बोल ना, जब तू बोलेगा इसका मैं बोलूंगा, तू बोल, इसका मेरी बात में बिल्कुल नहीं टूटना बीच में, ठीक है, मत बोलना, मैं बोल रहा हूँ, बोल बोल, हेलो, बोल बोल, नहीं बोलो, कहो अदब से बात करो, अदब से बोलो, बदतमीजी तूने शुरू कर रही है, तुमने शुरू कर दी, चलो तुम बोलो, चलो तुम बोलो, क्या ये बदतमीजी है, ये बिल्कुल बदतमीजी, हकीकत है, पहले बोलो, बोलिए, अच्छा बात करूंगा, चलो बोलो, तुम बोलो, नहीं नहीं बोलिए, पहले कहो, अब जब बोलो कह रहा हो तो बोलिए, बोलो नहीं, ये बोलिए, वो बिल्कुल बैगन भी नहीं बोलता, बैगन भी नहीं बोलता, नहीं बोलता बैगन भी नहीं बोलता, मैं भी आपसे कहूँगा बोलिए, आप कहिए बोलिए, मैं कमीज से बात कर रहा हूँ, बोलो तुम, बोलो अपनी बात रखो, तुम बोलो अपनी बात रखो, बोलो अपनी बात रखो, अरे अपनी बात रखो, जो बोलना चाहते हो, बात रख रहा हूँ, बात रख रहा हूँ, पहले कहो बोलिए, अबे कैसे नमूने हो तुम लोग, अबे असल बात पे गुफ्तगू नहीं करते, इधर उधर बात करो, कभी सुनो, जब तुम कुछ मानने में तैयार हो, सुनो जा, सुनो इस बात के लिए बोलना मत, अब बोलना मत, मैं बोलूंगा बीच में, नेट बोलना है, बोल दिया तू, देखो कहीं का उधर गामर, छोड़ दो, अब मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी बात, खामोश रहना, खामोश रहना, सुनो मैं पढ़ रहा हूँ, सुनो, जो मजलूब होता है तो मजलूब पर शरीयत के अहकाम मुरतब में, तो जो इस वाकये में कहा गया कि मेरा खादिम अल्लाह, जो मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ने कहा कि मेरा खादिम अल्लाह है, मैं उसकी बीवी हूँ, तो ये मजदूब जो होता है तो वो मुकल्लफ नहीं होता, मुकल्लफ का मतलब ये होता है कि इस पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते हैं, तो जो इमाम मूसा सुहाग रहमतुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह मेरा खादिम है, अल्लाह मेरा खादिम है, मैं उसकी बीवी हूँ, तो वो मजदूब का जुमला है, और मजदूब के जुमले पर गिरफ्त नहीं कर सकते, तो जब गिरफ्त नहीं कर सकते तो अगर आला आदमी ने इसको लिखा है तो इसमें कोई गलती की बात नहीं होगी, तो ये जो तुमने वाकिया पेश किया ये बिल्कुल तुम जो कह रहे हो कि आला आदमी ने फिक्र कर दिया, ये गलत तुमने कहा, क्योंकि मजदूब का मजदूब के कौन मजदूब जो होता है वो मुकल्लफ नहीं होता है, और मुकल्लफ के आकाम पे मुकल्लफ की बातों पे आकाम साबित नहीं होते हैं, तो बात क्लियर हो गई, हो गई, अब मैं बोलूं, बीच में मत बोलो, सबसे पहली बात, ये मजलूब जो लफ्ज यूज कर रहा है ना तू, इसमें क्या लिखा हुआ है कि मूसा स्वाग साहिब तहि, कोई पागल वागल नहीं थे, पूरा इलम था, पूरे जानकार थे, साहिब तहि थे, हुक्म का हुक्म लगेगा, साहिब तहि पर हुक्म लगेगा, ये शख्स जानबूझकर, मालूम था, इलम था पूरा कि रब की कोई बीवी नहीं, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, सब मालूम रखकर रब की बीवी बना, ठीक है, अपने आप को अल्लाह की बीवी बताया, अल्लाह को अपना
अस्तफुल्ला ये बताया, हाँ मैंने अस्तफुल्ला। दूसरी बात यह है, हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्द होकर औरत की मुशावरत करे और जो औरत होकर मर्द की मुशावरत करे, दोनों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, ये लानतुल्लाह अलैह था और इसने जो है रब की बीवी होने का दावा किया, इस पर इसलिए कुफर आता है। लाजिम हो गई बात। हेलो 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 हेलो, अरे हो गई मेरी बात। हेलो, अच्छा ये सुनना ही नहीं, असल में कुछ सुनना ही नहीं है इनको, अपनी बात बोलकर जो है फोन काट देना है, ऐसा मसला है। ठीक है, खैर हेलो हेलो हेलो, हाँ चलो भाई बताओ क्या कह रहे थे। सर्वे चला गया था हमारे, हमारे स्कूल का सर्वे चला गया था। अच्छा, मैं ये कह रहा था बीच में मत बोलना। मूसा स्वाद पर क्यों हुक्म लगेगा, क्यों इस पर कुफर का फतवा लगेगा? क्योंकि ये कोई पागल वागल नहीं था, साहिब तहकीक का जैसा किताब में लिखा हुआ है, पूरा इल्म रखकर ये इसमें लिखा मलफूजात मलफूजात आला, अगर जो मैंने स्कैन पेज भेजा ना वहाँ पर लिखा हुआ है सूफी साहब साहिब तहकीक और इनका मुकल्लिफ जिंदगी। ठीक है, अब बीच में मत बोलना, अब बीच में मत बोलना। सूफी साहब साहिब तहकीक इनका मुकल्लिफ जिंदगी, अब बीच में मत बोलना, मैंने पहले ही बोला था मेरी बात से बीच में मत बोलना। हुक्म का फतवा इसलिए लगेगा क्योंकि ये कोई पागल वागल नहीं थे, इस शख्स ने पूरा इल्म रख कर के अल्लाह की कोई बीवी नहीं औलाद नहीं, फिर भी अल्लाह को अपना शौहर बताया, अपने आपको रब की बीवी बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मौजूद है जो मर्द होकर औरत की मुशावरत करे और जो औरत होकर मर्द की मुशावरत करे, दोनों पर अल्लाह की लानत है। ठीक है, ये लानतुल्लाह अलैह था, ये काफिर था जो रब की बीवी होने का दावा करे, और इसीलिए मैं अहमदुल्ला पर कुफर का फतवा लगा दूं, क्योंकि अहमदुल्ला खान ने इस काफिर को, इस लानतुल्लाह अलैह को हजरत कहा, सैयद कहा, मूसा स्वाद को जो लानतुल्लाह अलैह था उसको अहमदुल्लाह अलैह कहा। ये है मेरी बात। इधर सुनो, इधर सुनो, जो आप कहा इस्तेमाल किया कि वो क्या थे, लानतुल्लाह हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मर्द होगा उसकी मुशावरत करे। हमने कहा, हमने कहा मुल्का सुहान रब्बुल्लाह ने मस्जिद में, तो आपने क्या कहा? क्या थे आला हजरत ने मुल्का सुहान रब्बुल्लाह ने तो मजदूब लिखा है, तो आपने क्या कहा? पागल दीवाने मजूब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साहिब तहकीक, साहिब तहकीक मजूब जो साहिब लिखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ इसमें लिखा है, चैलेंज चैलेंज करो, अगर ये आप अगर उसमें ना लिखा हुआ हो, ये ना लिखा हुआ हो, साहिब नहीं लिखा है, मैंने क्लिक किया वहाँ पर, यहाँ पर मैंने लाइन पर क्लिक किया, साहिब तहकीक नहीं लिखा है, लिखा है मैंने वहाँ पर क्लिक भी किया, लाइन से पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो, मैं तुम्हें बता दो क्लिक पे जो मन किया है अंधी तकलीफ के तौर पर। हाँ, ये गुमराही है सूफी साहिब तहकीक। हाँ हो गया ना, आगे बात चलो। ये गुमराही है सूफी साहिब तहकीक, सूफी साहिब बेचारे बताने चले खुद, सूफी साहिब तहकीक और उनका मुकल्लिफ जिंदगी, उनकी तकलीफ के तौर पर उनके मजार के बाबू जावर को देखा कि अब तक बालियां करे, अब तक बालियां करे जोशन पहनते हैं, ये गुमराही है सूफी साहिब तहकीक। इधर सुनो, इधर इधर भैया हो, ये जो सूफी साहिब तहकीक है ना, तो तुमने कायदे से पढ़ा नहीं, क्या बोलो बोलो बोलो, उसमें क्या लिखा है, जो 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 मुसाफरमान मदारसी पर बैठे हैं ना, तो उनके ताल्लुक से लफ्ज इस्तेमाल किया गया सूफी, और जो उनके चाहने वाले हैं उनके ताल्लुक इस्तेमाल किया गया जिंदी, समझे कि नहीं? तो अब आपका ये कहना कि ये मूसा सुहाग ग्रंथ का समझते कहा गया है, गलत है। एक मिनट, यहाँ पर जो लोग आ रहे ना इसका झूठ पकड़ रहा, चलो यहाँ पर आज तुम्हारी पूरी, अच्छा ये बता, सुन अगर तुम्हें जब अब
बता मुझे तो तू आ रहा था खाली सुना तेरी आवाज बताता हूँ इसमें क्या लिखा है तू तू शुरू करो अरे तुरे देख इसमें क्या लिखा है अंधी तकलीफ के तौर पर अब रट्टा मार ले मेरी बीच बात पे बीच मामा तो मेरी बात गौर से सुन अभी तू फंस चुका है अभी अंधी तकलीफ के तौर पर आज भी इनके मजारात को देखा कि आज भी मैं अपनी तरफ से मैं अपने अल्फाज अदा कर रहा हूँ मुझे बोलने दो आज कहते हैं कि आज भी हमने देखा औरतों का लिबास पहना करते हैं हिजड़े बना फिरते हैं लेकिन जब बात आती है मूसा सुहाब की तो कहते हैं ये सूफी साहब है ये साहिब तहकीक है इन पे हुक्म नहीं लगेगा लेकिन इनके मुँह कलीदों पे हुक्म लगेगा जो जिंदीक है आगे बस पहले पहले ये गुमराही है सूफी साहब यानी पैरोकार जिंदगी यानी बेदीन है तो यहाँ सूफी साहब तहकीक से तुम्हारा क्या मुराद है सूफी साहब की कोशिश की है ये मूसा सुहाग जब मदार शरीफ में थे तो वो कैसे मुराद हो जाएंगे क्या क्या मूसा सुहाग जब थे मूसा सुहाग तो कैसे मुराद हो जाएंगे मूसा सुहाग हाँ मूसा सुहाग तो तुमने कहा ना सूफी साहब तहकीक तो वो तो मजबूत थे वो तो सूफी साहब कहते हैं अहमद खान साहब कहते हैं सूफी साहब कहते कौन मुराद है मुराद बिल्कुल नहीं है ये तुम नहीं ला रहे ये तो ये तो मुनाजरों में भी जब हुआ पाकिस्तान में बरेली बता नहीं सके अहमद खान को ये तो छोड़ ये तो पकड़ आ चुकी है ये तो मुनाजरे में भी बरेली बता नहीं सके अहमद खान को मूसा साहब तुम्हारे बेटे बच्चे तू अभी बच्चा है तू अभी कुछ देखा नहीं यूट्यूब पे मैं इतना हूँ किसी की औकात नहीं है तेरी औकात नहीं है पता सूफी साहब तुमने कहा कि वो सूफी साहब ऐसा कुछ भी नहीं है ये लिखा झूठ मत झूठ ये मजबूत सूफी साहब तेरी ये लिखा अभी बचने से तू अभी बचने से तू यहाँ पर ये बेटा ये तू बच्चा है अभी ये मुनारों में भी तू अहमद खान को न बचा लगा रजा खान बच्चा है ये छोड़िए तू ये कुफर की तारीफ ये मेरे को मालूम नहीं मालूम तेरे को कैसा मालूम रजा खानी यहाँ पर मैंने साबित किया है मरदा गुस्सा है ये काफिर था क्यों था तो आप आपकी बीवी होने का दावत है जो आपकी बीवी होने का दावत है भागा तू अदा कर तू फंस गया तू फंस गया सूफी साहब ये बेचारा कह रहा है कि मुझे इनका दिखा अलग से कर दिया नहीं है साबित करो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ बता रहा हूँ सुनेगा जल्दी साबित करो अरे स्वागत करना सुन तो अदा खानी मुश्किल सुन तो सही मुश्किल अरे रुक तो सही बकबकाता क्या सुन अंधी तकलीफ के तौर पर सुन रजा खानी सुन तो सही रजा खानी अंधी तकलीफ के तौर पर अभी बिदअती मुशरिक तू है कभी अभी कबर के पुजारी मुंह बनकर बोलने दे रहे हो कबर के पुजारी भाग में फंस चुका है तू कबर के पुजारी लाशों की तरह रुक मुंह बनकर अभी हराम के नुस्खे रुक रुक मुंह बन गया हराम बीच में टूटा पकता है बीच में यू अबे दहलान के मुँह पे धावर भर बैगन वाले मुँह पे अबे धावर भर बैगन मैंने सामने क्या ये तो बकबक रहा है ये बकबका रहा है ये बकबका रहा है देखो इसका जिम लग गया साबित नहीं कर रहा अबे साबित कर मुँह मंगा साबित खबर के पुजारी मुँह मंगा ये हमें पता होगा खबर के पुजारी मुँह मंगा तू मुँह मंगा खबर के पुजारी में साबित कर रहा तू मुँह मंगा खबरों के पुजारी लाशों के दलाल मुँह मंगा मुंह बनकर साबित कर रहा सुन मुंह बनकर बीच में मत टकना कबर के पुजारी सुन बीच में मत टकना क्या कह रहे अंधी तकलीफ के तौर पर इनके मजार के बाद मुजावरों को देखा अंधी तकलीफ के तौर पर इनके बाद मुजावरों को देखा कि अब तक बालियां कल जोशन पहनते हैं किसके बारे में कह रहे हो अंधी तकलीफ के तौर पर इनके मजार के पास ये क्यों ये लफ्ज क्यों को हकीकत बताने ठीक है इनके बारे में हो गई ना बीच में नंबर टना ये गुमराही है गुमराह कह दिया किसको मुजावरों को अब बात गुमराह कह दिया इनको काम गुमराही कहा है ये गुमराही है कहा है उसमें लिखा हुआ है उनके काम को गुमराही कहा उनको गुमराह नहीं कहा तो यही कहा उनका काम से वो गुमराह हो चुकी है ठीक है आगे बढ़ो आगे तो बढ़ो सुन तो सही
अब आता है सुना तो, अब आता है इसके ऊपर मजूब जो मूसा सुहाग है उनके बारे में कहते हैं सूफी साहब साहेब तहकीक इनके मुकल्लिद जो मुजावर है वो जिंदी लो हो गया साबित। और उसके आगे आगे वाला फिर क्या होगा, आगे वाला क्या होगा, कौन सा आगे वाला, आगे वाला कौन सा आगे, आगे तो आई नहीं है कि और इनके मुकल्लिद जिंदी, इनके मुकल्लिद सूफी साहब जो मुकल्लिद में तकलीफ के तौर पर जो इधर जो दावा था तेरा के सूफी साहब को साहिब तहकीक के ये मजूब को कहा गया है, ये मजूबी को कहा मैंने समझ किया। आप सुन लिए बोलिए बोलिए बोलिए। अब ये बताओ जरा कि जो मजूब होता है वो साहिब तहकीक नहीं होता, ये कहाँ लिखा है? हो गई बात। जो मजूब होता है वो साहिब तहकीक नहीं होता, ये कहाँ लिखा है? हो गई बात। मैं बोलूँ? हो गई बात, साबित करो। अभी थोड़ी देर पहले बेचारा मुकर रहा था केस में ये मुजावर को कहा गया सूफी साहब, तुम्हारे समझ में ये बेटा अब ये बचे तो ये मुकर इसमें क्या लिखा सूफी साहब साहब तहकीक, ये तहकीक कर अल्लाह की बीवी बना, ठीक है पूरा इलम था, कोई पागल वागल नहीं था, तहकीक करके रब की बीवी बना, इसलिए कुफर का फतवा लगता है, इसलिए अहमदुल्ला खान को मैं काफिर कहता हूँ। क्योंकि इसको क्या कहा गया, बीच में मत बोल, बीच में मत बोल मुशरिक, रुक सुन, इसीलिए क्या कहता हूँ मैं अहमदुल्ला काफिर है, क्यों जो रब की बीवी होने का दावा कर रहा है इसको बोला हजरत सैयदी मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह, जबकि लालत लालत काफिर जिंदगी था, इसी हिसाब से इस पर मुझे फतवा लगता है। बोलिए अब मैं बोलूँ? बोल। हजरत आला हजरत अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत सैयदना मूसा सुहाग रहमतुल्लाह अलैह के नाम क्या क्या हजरत लगाया, सजदी लगाया, रबी अल्लाह अन्हु नाम से आखिर में लगाया, उसकी वजह यह थी कि वो साहिब मौजूद थे और उनके जबान मुकद्दस से जो भी अल्फाज अदा हुए तो उन पर शरीयत के अहकाम लागू नहीं होंगे। अब आपने कहा कि वो साहिब तहकीक थे, तो एक तरफ तो कह रहे हो मजूब, एक तरफ कह रहे हो कि साहिब तहकीक, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आला हजरत ने कहा वो मजूब, आपने एक तरफ, आप एक तरफ कह रहे हो कि आला हजरत उनको कह रहे हैं साहिब तहकीक, तो आप आला हजरत के मजूब को नहीं मान रहे हो, साहिब तहकीक को मान रहे हो, तो मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि ये कहाँ लिखा है कि जो साहिब तहकीक होगा वो मजूब नहीं होगा, ये बताओ। अब बोलूँ? ये मत टोकना अभी। हाँ। यहाँ पर क्या कहा गया कि ये मजूब है और साहिब तहकीक है, तो पूरा इलम रखने के बाद, पूरी जानकार होने के बाद, अच्छा खासा इंसान तो जब इलम हो जाता है कि रखी कोई बीवी नहीं, मर्दों का औरतों का लिबास मर्द पर हराम है, तो ये इलम रहने के बाद अगर ये हरकतें करे तो उस पर कुफर का फतवा लाता, इसीलिए इस पर मैं कुफर का फतवा लगाता हूँ, ये है। और इसीलिए अहमदुल्लाह खान तो भी कुफर का फतवा लगेगा, क्योंकि इसको हजरत कहा, सैयद कहा, जबकि ये जानी और बदकार और हिजड़ा और लानत लाला काफिर था। और हमारे नबी दुआ का तरीका क्या, और एक बात, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ का तरीका बताई, साहबा किराम दुआ करते थे, और ये हिजड़ा कैसा दुआ करता है, इसके पास ये खबीस कुछ मुशरिकी ना होंगे इसके जैसे बरेली, आके हमारे लिए दुआ करो, दुआ क्या करता खबीस का बच्चा, चून लो भी तरफ अल्लाह को बोल लिया। तब तक मैंने आपसे जो सवाल करा था आपने उसका जवाब नहीं दिया, मैंने जवाब दे दिया, समझ नहीं आया, मैंने जवाब दे दिया, समझ नहीं आया, नहीं होता जो मैंने जवाब दे दिया, समझ नहीं आया, मैंने जवाब दिया, झूठ मत बोला, मैंने जवाब दिया इसमें, मैंने एक मिनट में नहीं होता, ये झूठ मत बोला, मैंने जवाब दिया, जो मजलूब होगा वो बड़े दर्जे का वली होता है, जो बड़े दर्जे का वली होता है मजलूब, उसका शरीयत के अहकाम लागू नहीं होते हैं। अरे ये साहिब तहकीक का अहकाम लागू हो गए, बिल्कुल हो गए, वो मजलूब तू भी रब की बीवी होने का दावा करते हैं, मैं भी उनको हमारे पाल है, वो दीवाना है, कटरों में पैखानों में इधर उधर मेरा नेर गला पर मुंह नहीं करे, वो सिपाक है, सुन एक मिनट, देख मैं यहाँ पर ये भाग,